आज हम बनाने वाले हैं गुथे हुए आटा का बहुत ही टेस्टी नाश्ता देखो ये हमारा थोड़ा सा आटा बच चुका था तो हमने इसको रख दिया था अब हम इसका बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार करेंगे इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा कि बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही पसंद आएगा यदि आप पहले से इसमें थोड़ा सा ओल लगा करके रखते हो तो आप इसमें इसको अच्छे से गूंथ लें नहीं तो आप इसमें थोड़ा सा घी लगा करके इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लें घी ना आपको लगाना हो तो आप किसी तरीके का ऑयल भी इसमें लगा करके अच्छे से इसको चिकना कर लें क्योंकि हमारा बचा हुआ आटा है तो हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे चिकना करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी हम लोहियाँ कट कर लेंगे जितनी क्वांटिटी में आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं उतना ही आप आटा ले लें यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा लिया है इस आटे से हम पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना करके तैयार करेंगे और इतना अच्छा नाश्ता बनेगा कि आप इसे कई हफ्तों तक स्टोर करके खा सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा देखो हमने इतनी लोहंगियों को कट करके रखा था अब हम इसको और छोटी छोटी सी लोहियाँ कट कर लेंगे यकीन मानिए दोस्तों इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा कि आप हमेशा इसी तरीके से बना करके तैयार करेंगे लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा कि ये हमारा नाश्ता कैसा बना है और जो हमने लोहियों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था उसको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे यदि आप ऐसे ही इसमें पानी डाल कर के मिक्स करेंगे तो जो आटा है आटा बहुत देर में मिक्स होगा और कहीं कहीं इसमें गुठलियाँ भी हो जाएंगी इसलिए हम इसको मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें हमने दो चम्मच भर के मिल्क पाउडर डाल दिया है मिल्क पाउडर से इसमें बिल्कुल खोया जैसा टेस्ट आएगा यदि आपके पास खोया हो तो खोया डाल सकते हैं या खोया या मिल्क पाउडर आपके पास कोई ना हो तो आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं और यहाँ पर हमने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब हम, हम इसमें थोड़ी सी चीनी ले, ले लेंगे हमने यहाँ पर दोनों चीज़ों का यूज किया है यदि आप इसको चीनी से बनाना चाहते हैं तो चीनी से बना सकते हैं या फिर आप गुड़ अकेले से बनाना चाहते हैं तो गुड़ अकेले से भी इसको बना सकते हैं और हम इसमें को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे दोस्तों हम आपको एक बार याद दिला दें यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें देखो हमने थोड़ी देर मिक्सी में इसको चला लिया है तो ये हमारा कितना अच्छा घोल बन करके तैयार हो चुका है इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं यदि आप ऐसे ही आटा को हाथ से मिक्स करते तो इसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ हो जाती हैं और इतने अच्छे से मिक्स नहीं होता है और आपको बहुत ज़्यादा देर तक फेंटना पड़ता है इसलिए हमने मिक्सी के जार में डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है ना हमें फेंटने की झंझट है ना हमें आटा को मिक्स करने की झंझट है हमारा देखो कितने अच्छे से घोल बन करके तैयार हो चुका है हमें इस तरीके से इसका घोल बना करके तैयार करना है अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे थोड़ी सी हमने यहाँ पर सौठ का पाउडर ले लिया है यदि आपके पास सौ का पाउडर ना हो तो आप अदरक को भी अच्छे से पीस करके इसमें डाल सकते हैं अदरक और सौठ का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है देखो हमने सौट के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दिया है दोस्तों जो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी नाश्ता बना करके तैयार करेंगे दस मिनट के लिए हम इसको ढक कर के रख देंगे जिससे जो हमारा आटा है अच्छे से फूल करके तैयार हो जाएगा यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम ना हो तो आप एक दो मिनट ही इसको फूलने के लिए रख दें क्योंकि जो हमारा आटा था वो तो हमारा पहले से अच्छे से फूला हुआ था हमने इसमें थोड़ी सी ग्री डाल दी है गिरी को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है यदि आप कद्दूकस करके इसको गरी को डालना चाहते हैं तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं थोड़ा सा बिल्कुल हमने इसमें खाने वाला सोडा डाल दिया है खाने वाले सोडे से जो हमारा नाश्ता है बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होगा सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसका नाश्ता बनाएंगे जो आज का नाश्ता है हमारा बहुत ही हेल्दी बनने वाला है वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि हमारा जो नाश्ता है कैसे बना है गैस पर हमने थोड़ा सा ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है यदि आप इसको घी में बनाएंगे तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा थोड़ा सा हम एक बूंद इसमें डाल करके देखेंगे कि हमारा ऑयल कितना गरम हो चुका है हमें ऑयल को अच्छे से गरम करना है तब हम इसमें जो हमने गोल बना करके रखा था उसको हम डालेंगे एक चम्मच में हमने थोड़ा सा घुल ले लिया है थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालते जाएंगे और आज हम जो बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी गुलगुले या आप इसे मालपुआ भी बोल सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे देखो इस तरीके से कितने अच्छे फूले फूले हमारे मालपुआ बन रहे हैं जो आज के हमारे मालपुआ हैं वो बचे हुए आटा और गुड़ से बना रहे हैं इतने टेस्टी बनेंगे कि आप एक बार बना लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे यदि आप इसके छोटे छोटे गुलगुला बनाना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे गुलगुला भी बना सकते हैं वो भी खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों और बड़ों को यह सभी को पसंद आते हैं देखो हमने यहाँ पर गुड़ और चीनी दोनों चीज़ों से बना करके तैयार कर लिया है आप इसे एक चीज़ से भी बना करके तैयार कर सकते हैं अब इसी तरीके से हम सारे मालपुआ को बना करके तैयार कर लेंगे आज के जो हमारे मालपुआ हैं, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे और बहुत ही हेल्दी बनेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं के आटा से इसको बना करके तैयार किया है यदि आप इसको मैदा से बनाना चाहते हैं तो आप इसको मैदा से भी बना करके तैयार कर सकते हैं जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो मालपुआ हैं बहुत ही अच्छे फूले फूले बन करके तैयार होंगे साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं कुछ हम इसके गुलगुला बना करके तैयार करेंगे और कुछ हम इसके मालपुआ बना करके तैयार करेंगे आपको जो पसंद हो आप उसी को बना करके तैयार कर सकते हैं देखो हम इस तरीके से इनको सेंक करके तैयार कर लेंगे देखो ये हमारे कितने अच्छे बिल्कुल सॉफ्ट मालपुआ बन करके तैयार हुए है सभी को यह बहुत ही पसंद आने वाले हैं सिर्फ हमने इसे गुथे हुए आटे से पाँच मिनट में बना करके तैयार किया है देखो एक को हम तोड़ करके दिखाएंगे बहुत ही अंदर तक अच्छे से सिके हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं जो आज हमारे मालपुआ बन कर के तैयार हुए हैं आप इसे कभी भी बना करके तैयार कर सकते हैं यकीन मानिए दोस्तों आप एक बार बना करके देख लेंगे तो हमेशा इसी तरीके से बचे हुए आटे के मालपुआ बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बन कर के तैयार होंगे और इन्हें आप कई हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे ऐसे ही आपके सॉफ्ट बने रहेंगे देखो अभी हमारे कितने सॉफ्ट मालपुआ है और वीडियो देख के लिए आपको धन्यवाद